जब भी घर में सब्जी ना हो या फिर तीखा खाने को मन करे तो ये वाली चटनी जरूर बनाइए। ये चटनी चावल, रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए चलते हैं इस चटनी की रेसिपी की ओर। इसमें मैंने लिया है छोटी एक कटोरी के करीब धनिया, छिला हुआ लहसुन, और इसे मैं बाद में बताऊंगी कि ये क्या है। और एक टमाटर मैंने कट करके ले लिया है, दो हरी मिर्च, और इसके स्वाद के अनुसार ही नमक ले लेंगे। इसे अब मिक्सी में एक एक करके डाल लेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। हमारी चटनी पीस करके हमने तैयार कर ली है। यह ना तो दरदरी है और ना ही बिल्कुल फाइन पेस्ट इसे मैंने बनाया है, बीच का रखा है। चटनी ऐसे ही अच्छी लगती है। अब इसमें से मैं निकाल लूँगी जो भी इसके कैप में लगा हुआ है, और इसे अच्छी तरीके से फिर से इसमें चला करके और एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें क्या एक्स्ट्रा डाला है? मैंने इसमें डाला है मिक्स अचार। आपके घर में जो भी अचार हो, मिक्स अचार हो या फिर आम का अचार जो घर पे बना हुआ हो, इसे आप चटनी में एक बार यूज़ करके देखें। यह चटनी बहुत ही टेस्टी हो जाती है, तीखी और चटपटी भी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये हो गई हमारी चटनी की रेसिपी बन करके बिल्कुल ही तैयार। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही चटपटी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।